अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सुमैया रिजवान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। सरकारी दौरे पर मंगल को अमरीका पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने दौरे अमरीका में किसी भी डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के जौहरी असासे महफूज हाथों में हैं। खत्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम का दौरे अमरीका पर रवानगी से काबिल बयान। पेशावर के इलाके सरबंद में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन। 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलाह बरामद। कैंट के होटल्स और गेस्ट हाउसेज में मुकीम अफराद का डाटा भी हासिल कर लिया गया। रोशनियों का शहर अंधेरे में गुम हो गया। याकताबाद अस्पताल में बिजली ना होने से गैस लैंप्स का इस्तेमाल। कराची की बेशतर शाहराहों पर नस्ब। 800 स्ट्रीट लाइट्स बंद। बल्दिया उज़्मा का लाइट्स बहाल करने में नाकाम। एमकेएम का कौमी असम्बली में आज वापसी का इम्कान। मुत्तहिदा के अरकीन सैनेट और कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेकर सियासी किरदार अदा करेंगे। सरगोधा में लुढ़े वाला नहर में पड़ने वाला 30 फुट चौड़ा शगाव बंद ना किया जा सका। हजारों एकड़ जरिए राजी जेरिया। बाईपास के करीब खुशाव रोड भी जेरिया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। रावलपिंडी मेट्रो पुल का पत्थर गिरने से जाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा में यानी अब्बासी की शिरकत। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का वर्षा के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान की बीसीसीआई के सदर से मुलाकात आज होगी। भारत की तरफ से पाकिस्तान को सैफरीकी सीरीज की पेशकश मुतवक। और बलाई पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से रिमझिम। लाहौर और कसूर में भी बादल बरसने का इम्कान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया। आपको यहाँ पर कराची से अहम खबर देंगे, जहाँ पर भत्ते की पर्ची देने की सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। दसगी के इलाके में 8 जून को भत्ते की ये पर्ची दी गई थी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ खान, आगाह कीजिएगा, इस सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये 8 जून को 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ये एक दुकान पर आए थे। ये मिठाई की दुकान है, दस्तगीर ब्लॉक 14 में वाकई ये दुकान है, जहां पर पहले एक शख्स जो शलवार कमीज पहना है वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ और उसने भत्ते की पर्ची दी। उसके बाद उसके साथ ही जो दूसरा शख्स था उसने फिर उस बाहर से जो है वो फायरिंग की है। इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ था, ना ही इस वाके का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि इस वाके में मुलव्वज़ जो मुल्ज़िमान है और उस ग्रुप का सरगना है उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सीसीटीवी की मदद से ही मुल्ज़िमान की शनाख्त हो पाई है। ये 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद थे जिन्होंने पहले इस मिठाई की दुकान में 5 लाख रुपए की भत्ते की पर्ची दी और उसके बाद दुकान पर फायरिंग भी की थी। इस वाके में मुलव्वज़ जो मरकजी मुल्ज़िम था जिसका नाम सलीम डॉन बताया जाता है, वो इस ग्रुप का सरगना था, उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी सीसीटीवी की मदद से ही मुमकिन हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। दोनों मुल्ज़िमान को रेंजर्स ने सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। आसिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। और अब आपको खबर देते हैं डेरा मुराद जमाली से, जहां पर गोटा मुख्तियार अहमद में फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चियां जान बहक हो गई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जनसार मंगी से। जनसार मंगी, किस तरह से यह अफसोसनाक वाकया पेश आया? जी देखिए, ये पुलिस थाना मंजूशोरी की हदूद है। गोट मुख्तियार अहमद बुलेदी में नामालूम मुस्लिम अफराद ने जो है कि एक गांव पे हमला किया है और फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चियां इसमें जांबाक हो गई हैं और 2 बच्चियां जबकि इसमें जख्मी भी हुई हैं। वाकया पुलिस के मुताबिक कोई कबाली दुश्मनी का तनाजा था, जबकि इस वाकये के बाद बच्चियों की मैयतों को और जो जख्मी हुई है उनको सिविल हॉस्पिटल डेरा मुराद जमाली के लिए लाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। जी के पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। ठीक है जनसार मंगी, बहुत शुक्रिया। और अब आपको खबर देते हैं बारखान से, जहां पर मछरानी रोड से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जफर केतरान से। जफर, इन दोनों अफराद की शनाख्त मुमकिन हो पाई है?
ये इनकी अभी तक शनाख्त तो मुमकिन नहीं हुई, क्योंकि ये जो है ना लोकल बंदे नहीं लगते हैं, बाहर से जो है ना ये चेहरे से शनाख्त इनकी जो है ना पश्तून की हुई है। तकरीबन अभी हॉस्पिटल में इनको लाया गया है जहाँ पे जो है इनकी लाशें पड़ी हैं। पुलिस के मुताबिक आज सुबह उन्हें जो है ना मछरानी रोड से इतला मिली है कि वहाँ पे दो नामालूम अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया था। अभी शनाख्त नहीं हो सकी है, दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर केतरान।